बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सतलुज न्यूज़। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चिश्तियां 6 गिजियानी रूरल हेल्थ सेंटर, डॉक्टर अजहर अब्बास करप्शन का बेताज बादशाह, गरीब अवाम की जेबों पर डाके मारने में माहिर, फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है। मजीद जानते हैं चिश्तियां से इमरान अफजल से। जी इमरान, चिश्तिया 6 गिजानी रूरल हेल्थ सेंटर में सीनियर मेडिकल अफ़ीसर के रिश्वती छके अरूज पर आने वाले मरीजों से ईसीजी की फ़ीस 500 रुपये वसूल की जा रही है और ब्लड टेस्ट की फ़ीस 100 रुपये मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म के तब्दीली के नारे धरे के धरे रह गए। इसी हेल्थ सेंटर में आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सीनियर मेडिकल अफ़ीसर का अमला आवाम का खून पी रहा है और ना ही मरीजों को मेडिसिन मुहैया की जा रही है। अहले इलाका के लोगों का कहना है कि अरसा दराज से फ़ीस मुकर्रर की गई है और मन मर्जी से चेक किया जाता है। डॉक्टर अजहर अब्बास ने करोड़ों की प्रॉपर्टी इसी कुर्सी से बनाई है। वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर एंटी करप्शन, सीईओ हेल्थ बावल नगर नैब मुल्तान, उस वाक़े का नोटिस लें। राणा इमरान अफजल, सतलुज न्यूज़, चिश्तियाँ। मियाँ चनू थाना तलंबा, पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, दो मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिमान से 2 किलो 340 ग्राम चरस बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अनवर, अमजद अली शामिल हैं, जिनके खिलाफ बजुर्म 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खानेवाल तलाक क्यों दी, ससुरालियों ने नौजवान की आंखों में एल्फी डाल दी। नवाही इलाका 87-10R के रिहायशी मोहम्मद इफ्तखार ने चंद दिन पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अस्तबल पुल पर आज पंचायत बुलाई गई थी जहेज का सामान वापस करने के लिए। पंचायत में आया था कि ससुरालियों ने पकड़कर आंखों में एल्फी डाल दी। एल्फी डालने से मुतासर नौजवान की आंखें बंद हो गई। रेस्क्यू ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर मौका पर पहुंच गई। एल्फी डालने वाले मुलजिमान मौका से फरार। मियाँ चनू शूज़ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियाँ चनू का दूसरा हंगामी इजलास मुल्तान खानेवाल साहिवाल एसोसिएशन के साथ मुशावरत के बाद मौजूदा महंगाई और जालमाना टैक्सेस के पेश नज़र फैक्ट्रियां गैर मुद्दत के लिए बंद करने का फैसला। डूगा मूंगा राव मुजाहिद मेमोरियल T20 हार्डबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें मलक असगर कलंदर क्रिकेट क्लब ने खान असलम आकू का टाइगर क्रिकेट क्लब को 27 रन से शिकस्त दे दी। मैच के मेहमान खसूसी खान कमर जमान आकू का जनरल सेक्रेटरी ATI पंजाब और ज़िया फरीद पेप्सी डीलर डूंगा बूंगा थे। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मलक असगर कलंदर क्रिकेट क्लब ने मुकर्रर 10 ओवर्स में 106 रन बनाए। इनकी जानिब से असद रईस और ज़ियाउल हक बिलतरतीब 52 और 28 रन बनाकर नुमाया रहे। खान असलम आकू का टाइगर्स क्रिकेट क्लब के राव आसिम और शार्फ सईद गौरी ने 2-2 विकेटें ली। मैच के खिताम पर मेहमान खसूसी ने चट्टान चाय की जानिब से खिलाड़ियों में शर्ट्स और चाय तकसीम की। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.satlujnews.com।